वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने दो फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। दहशतगर्दों की रुलतान और किन्नर से नकलो हरकत की इतलात मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। जी अपडेट कीजिए। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज को नूरिस्तान और कुन्नर से दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतलाह के हवाले से अफगान हुकूमत की तरफ से आगाह किया गया था, जिसकी रोशनी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर इकदाम कर रखे थे। और इसी के नतीजे में जब दहशतगर्दों की तरफ से दो फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानेब से फौरी और मौसर बर वक्त जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे जाने की तस्दीक हुई है और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। तहम पाक फौज के 4 जवान बहादुर लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी और उनके खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अर्ज का इरादा किया गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे अर्ज को मजीद तकवीत देती हैं और चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं। तो है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर देती है और चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं। तो है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईकुर रहमान।